वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर एक्सेल ट्यूटोरियल के क्लास में आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, जिसमें हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल फार्मूले की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे एवरेज एंड एवरेज ए फंक्शन के बारे में। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है और दोनों ही एवरेज निकालने के काम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है, आइए उस डिफरेंसेस को हम देख लेते हैं। नॉर्मली जो हमारा एवरेज फंक्शन है वो एवरेज कैलकुलेशन के काम आता है, लेकिन उसमें अगर नॉट अवेलेबल डेटा अगर प्रेजेंट रहता है तो वो उस सेल की वैल्यू को इग्नोर कर देता है। एग्जांपल के नीचे आप देख पाएंगे A1 से लेकर A5 तक कुछ डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें A1 से लेकर A4 सेल तक हमने कुछ नंबर्स इनपुट करा रखे हैं और A5 सेल में नॉट अवेलेबल डेटा है। अब बी कॉलम के अंदर B5 सेल पे हमने एक फंक्शन यूज करा है इक्वल एवरेज, जिसमें हमने रेंज दी है A1 से लेकर A5 तक की। अब हमारा जो सेल वैल्यू है वो 5 है और अगर हम इन सबको सम करें तो हमारा जो टोटल आएगा 40+30+20+10 वो आएगा 100। तो अकॉर्डिंग टू सेल रेंज हमारा 100 डिवाइड बाय 5 हमारी एवरेज आनी चाहिए 20, लेकिन यहाँ पर एवरेज आएगी 25 क्योंकि हमारा नॉट अवेलेबल सेल की वैल्यू को वो इग्नोर कर देगा। आइए एवरेज फंक्शन को पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सेल के अंदर हमने सेम डेटा एज PDF मेंशन करा हुआ है। किसी भी सेल पर हम फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर हमने एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए रेंज सेलेक्ट करा ली है A1 से लेकर A5 तक की। अब हमारी जो सिलेक्टेड सेल की रेंज है वो नंबर ऑफ सेल अगर काउंट करें तो 5 बैठता है और टोटल अगर हम यहाँ पर देखें इन सभी सेल की वैल्यू का तो आता है 100। 100 डिवाइड बाय 5 हमारा आना चाहिए 20, लेकिन एंटर प्रेस करने पे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है 25 क्योंकि यहाँ पर नॉट अवेलेबल वैल्यू को वो इग्नोर कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 0 डाल दें तो उस केस में हमारी वैल्यू ठीक आएगी, लेकिन अगर हम नॉट अवेलेबल डेटा को यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी कि डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा एवरेज का यूज़ में हम नॉट अवेलेबल डेटा अगर डालते हैं तो वो उसको एवरेज में काउंट नहीं करता सेल नंबर को। दूसरी ओर हमारा जो फंक्शन है वो है एवरेज ए। एवरेज ए में नॉट अवेलेबल डेटा को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि सारे सेल की वैल्यू को वहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो एवरेज ए का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा ये सेल भी काउंट होगा नॉट अवेलेबल वाला और हमारी जो एवरेज आएगी वो आएगी 20। तो आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर हम डी सेल के अंदर 5 सेल में एवरेज ए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और एवरेज ए फंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद हमने सिलेक्टेड रेंज फिर से ली है A1 से लेकर A5 तक की। जैसे ही हम पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारी वो नॉट अवेलेबल सेल की वैल्यू को भी काउंट कर रहा है और हमारी इस वजह से जो एवरेज आई है वो आई है 20 की। तो ये था हमारा एवरेज फंक्शन और एवरेज ए फंक्शन के बारे में क्या डिफरेंसेस है वो हमने अच्छे से देखा। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है इन दोनों फंक्शंस में वो भी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एवरेज इफ में हम सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल सकते हैं। सपोज हमारा यहाँ पर कुछ डेटा है A1 कॉलम में, A1 कॉलम से लेकर हमारा डेटा A6 तक है और B कॉलम में B2 से लेकर B6 तक है। तो यहाँ पर हमने इन सेलेक्टेड एरिया का जो एवरेज निकालना है वो हमारी कंडीशन है पहली, कि हम उन्हीं डाटा का एवरेज निकालना चाहते हैं जिनका डाटा 30 नंबर से ऊपर तक का है। तो सिलेक्टेड रेंज के अंदर अगर वो क्राइटेरिया हमारा फुलफिल होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी एवरेज दिखाई देगी। जबकि एवरेज इफ्स हमारा जो फंक्शन है उसमें हम मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि हमारा नंबर 30 से अबव हो लेकिन 50 से कम हो, हमें उन्हीं की एवरेज निकालनी है जो डेटा 30 से अबव है और 50 से कम है। तो इन दोनों फंक्शंस को प्रैक्टिकली देखते हैं एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स हम कैसे यूज़ करेंगे। सेम डेटा एज पर PDF हमने यहाँ पर बना लिया है। हम यहाँ पर किसी भी सेल के अंदर एवरेज सबसे पहले काउंट करते हैं एवरेज इफ एक सिंगल कंडीशन लगाने के बाद। एवरेज एंड एवरेज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एवरेज इफ के अंदर हमसे पूछा जा रहा है नीचे की तरफ रेंज और ये सारी रेंज हमने दे दी है जहाँ पर हमारा डेटा है। कोमे के बाद हमने यहाँ पर अपनी क्राइटेरिया डाल दिया है। क्राइटेरिया हमारा है 30 से ऊपर तक के नंबर जो भी हैं उन सब की
हमें यहाँ पर एवरेज निकालनी है। तो ये फोर नंबर हमारा काउंट नहीं होगा और जितने भी सेल हैं उन्हें सबको जोड़ दिया जाएगा और नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर फाइव हमारे सेल हैं और यहाँ पर फोर, यानी कि नाइन से डिवाइड हो जाएगा इन सभी का सम करके और हमारी एवरेज आएगी 43.77। एक बार हम इसको क्रॉस चेक भी करके देख लेते हैं। हम सिंपल सम फंक्शन लगाते हुए इस रेंज का कॉमा इस रेंज का सम करना चाहते हैं, क्योंकि ये फोर नंबर तो हमारा इग्नोर ही होगा क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा नंबर 30 से अबव होना चाहिए। अब डिवाइड बाय हम कर देंगे नंबर ऑफ सेल से उसको डिवाइड और हमारी जो एवरेज आ जाएगी वो सेम है जो हमने एवरेज इफ के जरिए निकाली थी। अब हम यूज़ करते हैं एवरेज इफ्स का। एवरेज इफ्स के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमने पूरी की पूरी रेंज दे दी है, उसके बाद नीचे हमसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, यानी कि पहली हमारी जो कंडीशन है उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज भी हमें सेम रखनी है या अकॉर्डिंग टू डेटा आप रख सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर कि नंबर हमारा 30 से अबव हो और 30 से अबव हमारे नंबर हैं 34 और 56। कोमे के बाद नीचे की तरफ मैसेज आ रहा है क्राइटेरिया रेंज टू। क्राइटेरिया रेंज टू भी हमने सेम सिलेक्शन कर लिया है और यहाँ पर हमने दूसरी कंडीशन डाल दी है कि हमारा नंबर होना चाहिए 50 से कम। तो 56 नंबर को फिर इग्नोर करा जाएगा और हमारे जो नंबर हैं 30 से अबव और 50 से बिलो वो हमारे हैं 34 नंबर। तो इस कंडीशन के बेस पर हमारी जो एवरेज आनी चाहिए वो 34 ही आनी चाहिए क्योंकि यही नंबर हमारे 30 to 50 के बीच में आते हैं। तो एंटर करने पे हमारा जो एवरेज है वो आ चुका है 34। तो ये थे हमारे एवरेज इफ़ एंड एवरेज इफ्स में डिफरेंस। होपफुली आपको ये चारों फंक्शंस अच्छे से आप क्लियर हो चुके होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं जो कि स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले से रिलेटेड रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।